हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं निखिल नाई और आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो देखो भैया, आज मैं बात करने वाला हूं दो वेब सीरीज के बारे में। जी हां दोस्तों, मैंने एक ही महीने में दो वेब सीरीज देखी है। तो उस दो वेब सीरीज का नाम है द बैथ है क्यू और एक है द लास्ट, क्या नाम है उसका, द लास्ट एयर बैंड अवतार, ऐसा कुछ नाम है। ऐसे अवतार हमने 1 देखी 2 देखी, वो वाली अवतार नहीं, ये अलग ही लेवल की अवतार मूवी नहीं, वेब सीरीज है यार भैया, लास्ट एयरबेंडर ऐसा कुछ। हाँ वही 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 यार। तो चलिए उसकी बात करते, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आ जाइए नजदीक। दिख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा हूँ कोई बात नहीं, अगर दिख रहा हूँ, हाँ दिखोगा ना यार, वैसे आप वीडियो तो देख रहे हो मेरी। तो देखो, पहले बात करते बैठे कि वैसे ही जो कोरियन के ड्रामा वेब सीरीज है उसकी बात करने वाला हूँ। पहले देखो बैठे कि वो नाम की वेब सीरीज है, उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, एक सस्पेंस वेब सीरीज है। तो देखो, शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बूढ़ा अंकल होता है जो कुछ पीते पीते रास्ते में जा रहा होता है, अचानक उसको कुछ हो जाता है और वो रास्ते में ही मर जाता है। तो देखो, इस वेब सीरीज की शुरुआत यहीं से स्टार्ट होती है, वो मर जाता है और एक लड़की होती है, और उसका हस्बैंड भी होता है, वो मेरे ख्याल से एक प्रोफेसर होती है। फिर क्या होता है कि हम आगे देखते हैं कि उस लड़की को पुलिस वाला का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारे अंकल मर गए हैं, तो आओ और उनकी अंतिम क्रिया कर लो। लड़की बोलती है मेरा कोई अंकल है ही नहीं, फिर भी वो लड़की देखने जाती है कि भाई मेरा तो उनका कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई मेरे कोई अंकल है ही नहीं, फिर भी वो लड़की देखने जाती हो। और फिर पुलिस वाले सच में पूछते हैं कि सच में तुम्हारा इनसे कोई कुछ भी रिश्ता नहीं है। लड़की बोलती है नहीं, मेरा इनसे कुछ रिश्ता है ही नहीं। पुलिस वाले इनको बताते हैं कि ये तुम्हारे अंकल जो है, जो मर गए हैं, इनकी एक जमीन है, कब्रिस्तान वाली जमीन है भैया गाँव में। फिर बाद में शुरू होती है एक कहानी भैया। देखो, लालच मन में आ गई, उसका जो हस्बैंड होता है वो सोचता है कि मैं मेरी बीबी को डिवोर्स दे दूंगा, लेकिन वो सोचता है वो पहले, लेकिन जब उसको पता चलता है कि भाई अब उसका कोई अंकल भी निकला है और उसके पास जमीन भी है, यानी कि जमीन थी, तो अब तो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि अब तो मुझे वो जमीन मिलेगी भैया, मेरी बीवी को मिलेगी। तो इनके दिमाग में लालच आती है, उस लड़के के दिमाग में भी लालच आ जाती है। और फिर क्या होता है, यहीं से शुरुआत होती है। फिर बाद में उसका कोई सौतेला भाई आ जाता है, वो भी बोलता है कि मैं, ये मेरे अंकल भाई के आने के बाद क्या होता है, उसके जो हस्बैंड होता है, उस हस्बैंड की मौत हो जाती है, और दो पुलिस वाले होते हैं, दो पुलिस वालों की भी अलग कहानी होती है और वो लोग इस केस में जुड़ जाते हैं। एक पुलिस वाला अच्छा आता है जो बहुत मेहनत करके उसके सबूत ले आता है, उसके बारे में पूरी से पूरी डिटेल कर में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। एक जो पुलिस वाला लंगड़ा होता है, दोनों की अंदर अंदर कुछ प्रॉब्लम थी यार, वैसे कुछ पुरानी बातें होगी, बस उन दोनों की कहानी है। फिर हाँ, और हाँ एक बार और कि इस वेब सीरीज में काला जादू भी है, काला जादू के साथ बहुत सारे सस्पेंस भी छुपे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस वेब सीरीज को देखना चाहिए, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, 6.4 आई थिंक रेटिंग है इसका, के ड्रामा है, तो भैया मेरे ख्याल से देखनी चाहिए आपको वेब सीरीज। और बाद में मैंने वेब सीरीज देखी, एक महीने में दो देखी, तो वो दूसरी थी एयरबेंडर अवतार, तो लास्ट एयरबेंडर ऐसा कुछ है। तो देखो भैया, इस वेब सीरीज में कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं है, छोटा बच्चा होता है। देखो इसकी कहानी क्या होती है कि इन लोगों के यूनिवर्स में भगवान होते हैं अवतार करके, तो जो होते रहते हैं अवतार, कोई एक अवतार मर जाता है तो उसका नया रूप आ जाता है, ऐसे 100 साल में ऐसा होता रहता है, तो बदलते रहते हैं भैया, वो गॉड है। हाँ, और वो किन लोगों के गॉड है, हवा पानी और जमीन, ऐसे वायु अग्नि, इन सब के गॉड होते हैं अवतार करके, और सबके पास अपनी अपनी ताकतें होती है। तो भैया जो अवतार, नेक्स्ट अवतार जो होता है ना, वो एक छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, लेकिन ये जो अग्नि वाले होते हैं, यानी कि इनको फायर नेशन कहा जाता है इस वेब सीरीज में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ तो नहीं है भैया, लेकिन फायर नेशन वाले जो होते हैं ना, वो कब्जा करना चाहते हैं जगह पे, और इसलिए वो अवतार को मानना चाहते हैं। तो अवतार को तो मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि अवतार बर्फ में छूट जाता नहीं है, लेकिन वो कहाँ बर्फ में बेहोश हो जाता है यार, और इसी वजह से वो 100 साल बर्फ में ही रहता है। फिर बाद में अवतार जब जाता है तो पता चलेगा, अरे भाई मैं तो 100 साल पीछे हूँ। फिर अवतार आता है, इन सबको बचाने की कोशिश करता है, सब हवा पानी को और वो क्या बोलते हैं, जमीन वालों को, लेकिन सबको तो नुकसान है, फायर बेंडर वाले तो फायर नेशन वाले पहुँचाते हैं,
कुछ होगा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। देखो ये पहली सीजन खत्म हो गई, दूसरी सीजन आएगी या तीसरी आएगी, लास्ट में क्या होगा, फायर नेशन वालों की तो मौत हो जाएगी या फिर उनका काम निपटा देंगे। कौन निपटा देंगे, ए अवतार ही निपटा देंगे ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगा। तो बस यही मैंने अवतार देखी, वैसे छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन आप बड़े हो तो आपको देखनी चाहिए वैसे। हाँ सब देख सकते हैं, अच्छे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है इस वेब सीरीज में बस यार। तो चलो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो भाई मैं बोलता हूँ कि लाइक करो इस वीडियो को। कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है यार, आपको कुछ नहीं है तो कमेंट जो भी इच्छा है कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।